नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। लगातार जिस तरीके से प्रचंड गर्मी से लोग परेशान हैं, छोटे बच्चे परेशान हैं, ऐसे में आपको बता दें कि राज्य सरकार ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि अब 23 मई से लेकर 14 जून तक के लिए राज्य के सभी निजी और सरकारी स्कूल बंद कर दिए जाएंगे। सूचना जारी कर दी गई शिक्षा विभाग की ओर से। ऐसे में आपको बता दें कि जो लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, ऐसे में लगातार जिस तरीके से सरकार भी तैयारी में थी और ख़ास तौर पे जब गर्मी बढ़ने लगी थी उस समय फैसला लिया गया था कि जो स्कूल का जो समय है उसमें तब्दीली की जाएगी ताकि गर्मी से बच्चों को राहत मिल सके। ऐसे में वक्त में तब्दीली की गई, लेकिन अभी लगातार फिर भी गर्मी बढ़ती चली जा रही थी। ऐसे में आपको बता दें कि पछुआ हवा भी चल रहा है। ऐसे में गर्मी भले ही कम हो, लेकिन जो उमस होता है उससे और भी ज़्यादा परेशानी हो रही थी। ऐसे में राज्य सरकार ने 23 तारीख यानी कि 23 मई से लेकर 14 जून तक के लिए सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया है और इसकी सूचना शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दी गई है। वहीं अगर निजी स्कूलों की माने तो उनका पक्ष है कि जो बच्चे हैं उनका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, ऐसे में उनके भविष्य का सवाल है, ऐसे में स्कूल को अभी बंद करना उचित नहीं है। हालांकि बच्चों की सुरक्षा भी जरूरी है। तमाम चीज़ों को लेकर अपना पक्ष जो है निजी स्कूल संचालक रख रहे हैं। हालांकि क्या सूचना थी वो देखने वाली बात होगी, क्या निजी स्कूल अभी बंद होंगे या फिर नहीं होंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से राज्य सरकार ने सूचना जारी कर दी है कि अब निजी स्कूल हो या फिर सरकारी स्कूल हो, दोनों स्कूलों को बंद करने का ऐलान कर दिया गया है और सरकारी स्कूल जो है 23 तारीख से बंद हो जाएंगे और निजी स्कूलों को लेकर फैसला को एक दो दिनों में आ जाएगा। लेकिन देखने वाली बात होगी, जिस तरीके से गर्मी चल रही है, ऐसे में जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए सरकार की ओर से यह भी गाइडलाइन जारी की गई है कि छोटे बच्चे जो हैं गर्मी छुट्टी में भी घर के भीतर ही रहें, बेवजह बाहर ना निकले ताकि गर्मी से राहत मिल सके। और जिस तरीके से अभी गर्मी के साथ लू का कहर जारी है, ऐसे में चाहे बच्चे हो या फिर बड़े हो, सभी लोग इससे परेशान हैं और गर्मी की छुट्टी भी हो गई है। ऐसे में अब जाहिर तौर पर देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ नतीजे आएंगे। हालांकि गर्मी की छुट्टी है, बच्चे मौज मस्ती तो करेंगे, लेकिन साथ ही साथ सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी और कहा है कि बच्चे जो है घर में रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा ताकि गर्मी से उन्हें राहत मिल सके, साथ ही साथ बेवजह बाहर ना निकले। तमाम चीज़ों को लेके आप बने रहें हमारे साथ और आप तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव इंडिया।